तो दोस्तों आज हम लोग आपको बताने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक जो कि है दोस्तों डाउनलोड इंस्टाग्राम हाइलाइट्स। जी हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम की हाइलाइट्स को डाउनलोड करना। दोस्तों आपको पता ही होगा हाइलाइट्स इज नथिंग बट योर ओन इंस्टाग्राम स्टोरीज, जो कि अगर आपकी हैं तो वो आपके पास हैं ऑब्वियसली, बट दूसरे की हैं तो कैसे लेके आओगे, राइट? तो दोस्तों लेट सपोज कि यहाँ पे कोई अकाउंट है जिसकी पास काफ़ी सारी हाइलाइट्स हैं और कोई पुरानी हाइलाइट है जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं या उसको निकालना चाहते हैं। तो दोस्तों नाउ यू कैन डू इट वेरी इजीली। दोस्तों उसको करने के लिए आपको कुछ सिंपल स्टेप्स करने पड़ेंगे जो कि मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। और दोस्तों उसके बाद आप सारी जितनी भी हाइलाइट्स हैं सारी की सारी आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों ये सब कुछ करने के लिए बस और बस आपका थोड़ा सा प्यार चाहिए, नीचे लाइक चाहिए, एक कमेंट चाहिए और एक छोटा सा सब्सक्राइब चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं मांग रहा, बस इतना सा मांग रहा हूं कि जिसमें मेरा प्यार जो है आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं हाउ टू डाउनलोड इंस्टाग्राम स्टोरी हाइलाइट्स। दोस्तों ये जो स्टोरी हाइलाइट्स होती हैं किसी के प्रोफाइल पेज पे आप ऐसे करके देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको भी मन करता है या किसी भी फ्रेंड का या फ्रेंड नी का इंस्टाग्राम स्टोरी हाइलाइट आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों बिल्कुल आराम से और प्यार से आप यहाँ पर कर पाएंगे। दोस्तों इसकी बेसिक सी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास उस बंदे का यूज़र नेम होना चाहिए। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक अकाउंट उठाया है जहाँ पे लिखा है मिस्टर वैम्पायर, बड़ा ही दहलाने वाला नाम है, पर दोस्तों जो भी है हमें तो अपना काम करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मिस्टर वैम्पायर ने काफ़ी सारी यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरी हाइलाइट्स लगा रखी हैं और बताया था दोस्तों ये मेरा पेज नहीं है तो फॉलो बिल्कुल मत करना इस बंदे को, पता नहीं कौन है। तो दोस्तों इसकी स्टोरी हाइलाइट्स को हम लोग डाउनलोड करके दिखाएंगे आपको चुटकी बजा के। जी हाँ दोस्तों ऐसे आप कहेंगे भैया डाउनलोड तो नहीं हुई, तो दोस्तों यही तो आपको देखना है इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आपको क्या करना है, पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक करती है माना, ओहो सॉरी मैं ये नहीं बताना चाह रहा था, मैं बताना चाह रहा था दोस्तों पहली बात ये कि आपको जाना है गूगल क्रोम पे और दोस्तों आपको डाउनलोड इंस्टाग्राम स्टोरी ऐसे लिख लेना है अपने गूगल पे, या फिर नीचे मैं लिंक दे दूंगा इस वेबसाइट का storysaver.net का और दोस्तों इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं एनी टाइम एनी वेयर ऑन द गो। इसका मतलब दोस्तों यह है कि आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है प्ले स्टोर से एंड ये जो वेबसाइट है ये फ्री टू यूज़ है एंड ईजिली आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया द ओनली थिंग दैट यू नीड इज़ अगले बंदे का यूज़र नेम। जी हाँ दोस्तों किसी भी हाईलाइट को डाउनलोड करने के लिए आपको उसका यूज़र नेम चाहिए, उस बंदे का इंस्टाग्राम यूज़र नेम चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास है डाउनलोड इंस्टाग्राम स्टोरीज का ऑप्शन। दोस्तों हमें यहीं पे सब कुछ डालना है, हमें कुछ भी नया नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं आपको कि हम कैसे करने वाले हैं। तो दोस्तों पहली चीज़ ये कि इस बंदे का जो नाम है आप उसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है? अब आप कहेंगे यार इसका नाम कैसे कॉपी होगा, तो भाई नाम आप या तो इसको याद कर लीजिए या फिर आप इसको यहाँ से इसका नथिंग देन कॉपी प्रोफाइल यूआरएल कर लीजिए, ठीक है दोस्तों? अब आपने यहाँ पे कॉपी प्रोफाइल यूआरएल कर लिया और दोस्तों यहाँ पे जाके मैं वापस उस पेज पे जाऊँगा और यहाँ पे दोस्तों आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि मैं यहाँ पे उस बंदे का पूरा यूज़र नेम डालूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे वो लिंक डाल दूंगा और लिंक डालने के बाद दोस्तों आगे का पार्ट उड़ा दूंगा एंड पीछे का पार्ट भी उड़ा दूंगा, सिर्फ उतना रखूँगा जितना उस बंदे का नाम था। तो दोस्तों ये कैसे भी कर सकते हो, मैंने ऐसे कर लिया, आप किसी और तरीके से करना चाहो तो किसी और तरीके से करना, गालियाँ मत निकालना कि भाई तूने इतना बड़ा तरीका अपनाया, ठीक है वो मेरा अपना तरीका है आपका अपना तरीका होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे आपके सामने आएगा एक कैप्चा। तो दोस्तों कैप्चा को कैसे यूज़ करना है वो आपको आता होगा बखूबी, अगर नहीं आता तो भैया हाथ जोड़ देता हूँ, अलग वीडियो बना दूंगा उसके लिए कि कैसे यूज़ करना है, पर दोस्तों ये एक तरीका है। अब दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया, कैप्चा किया, उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे करंट स्टोरीज आ रही हैं, 4 स्टोरीज बंदे ने लगा रखी हैं, 1, 2, 3 एंड 4। बट दोस्तों हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दोस्तों हाइलाइट्स। तो आप कहेंगे भाई ये क्या बेवकूफ़ बना रहे हो आप हमें, भाई यहाँ पे मैं बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए नीचे लिखा हुआ है शो हाइलाइट्स। जी हाँ दोस्तों अब आप अगर शो हाइलाइट्स पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी हाइलाइट्स उस बंदे ने आज तक लगा रखी हैं वो सारी आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये सारी उस बंदे ने पहले लगा रखी है, ओरिजिनल 2 केरला फलाना ढिकाना ये सारी लगा रखी हैं। अब दोस्तों अगर मुझे कोई भी हाइलाइट को देखना है ओनली थिंग आई हैव टू डू इज़ मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा शो हाइलाइट्स पे एंड दोस्तों जितनी भी फोटोज़ वीडियोज़ इसमें होंगी वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। देन व्हाट आई हैव टू डू इज़ ओनली टू क्लिक एंड डाउनलोड इट। येस फ्रेंड्स डोंट लीव इट राइट नाउ बिकॉज हो सकता है अभी आपका काम ना बने। तो दोस्तों
इसको देखिए आप, अगर आपके सामने दोस्तों कोई फोटो है या स्टोरी है तो आपको जस्ट यहाँ पे सेव एज फोटो करना है एंड सिमिलरली बिल्कुल एग्जैक्टली एज सेम एज दिस आप वीडियोस भी डाउनलोड कर पाएंगे। जस्ट यू हैव टू क्लिक इट सेव एज फोटो सेव एज वीडियो एंड दैट्स इट। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वीडियो है, आई विल क्लिक इट एज सेव एज वीडियो एंड यू कैन सी गाइज यहाँ पे आपके सामने वीडियो आ गई है। मैं यहाँ पे क्लिक करके या तो यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ से प्ले करके भी इसको सेव कर सकता हूँ। दोस्तों दोनों ही केसेस में मेरी जो वीडियो होगी वो सेव हो जाएगी गैलरी के अंदर और मैंने अभी अपने फ़ोन के अंदर सारी हाइलाइट्स डाउनलोड कर ली हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमने अभी अभी एक ये हाईलाइट या स्टोरी हाईलाइट डाउनलोड कर ली है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी पसंद आया ये तरीका तो क्या करना है आपको, नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है, लाइक करना है एंड कमेंट में ज़रूर बताना है कि कौन है आपका फेवरेट बंदा जिसकी आप इंस्टाग्राम हाइलाइट्स डाउनलोड कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू ट्रिक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर नहीं आई तो भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।